दोस्तों, कर्नाटक में किस तरीके से हिजाब का मुद्दा उठा था भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय में, आपको याद होगा। कर्नाटक से शुरू हुआ था, फैलते फैलते पूरे देश में फैल गया। उसके बाद एक नई प्रथा गढ़ दी गई कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं जा पाएंगे। अब हिजाब और बुरके को लेकर एक धारणा बना दी गई और उसके बाद जो उस पर बहस शुरू की गई है, अनगिनत बहस शुरू की गई जिसका कोई सरपैर नहीं था। टीवी डिबेट्स हुई जमकर, एक मुद्दे को लगातार खींचा गया, पकड़ पकड़ कर खींचा गया, और वही इस वक्त भी होता हुआ नजर आ रहा है कर्नाटक में। दोस्तों, कर्नाटक में हो सकता है कि वहां की जो विपक्षी पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी जो है, वो इस मुद्दे को अभी भी तूल देना चाह रही है दोस्तों। लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, या कह लीजिए आप कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये करने नहीं दिया दोस्तों। किस तरीके से नगर पालिका में, जी हां महानगर पालिका में, किस तरह से जमकर बवाल काटा गया है बुरके को लेकर, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, किसी समुदाय की प्रतिनिधि, अगर मान लीजिए कि वो मुस्लिम है, किसी समुदाय से बिलोंग करती हैं और वो प्रतिनिधि भी हैं, किसी क्षेत्र को वो संभाल रही हैं, बाकायदा प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर आई हैं, जनता ने उनको चुना है, अगर वो बुर्का पहनकर महानगर पालिका में जा रही हैं, ये उनकी अपनी चॉइस होनी चाहिए ना। आपने ये प्रतिबंध लगा दिया कि भैया किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में कोई भी लड़की जो है, मुस्लिम लड़की, वो हिजाब पहनकर नहीं जा सकती। आपने इस मामले को जमकर खींचा। अब ये मामला वहां तक लेकर जाया जा रहा है दोस्तों, जिस पद पर लोग, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वहां से भी ये लोग विरोध जता रहे हैं, ऐसे जैसे वो नहीं पहन सकती है बुर्का, वो नहीं पहन सकती वो जो वो चाहे। और इसी का विरोध हुआ है नगर पालिका में, महानगर पालिका में। कहा कर्नाटक की कलबुर्गी महानगर पालिका में दोस्तों जमकर इसका विरोध हुआ है। सदफ आफरीन नाम की यूजर है, क्या ट्वीट करती है आपके स्क्रीन पर इनका ट्वीट है, लिखती है कि कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी नेता ने कलबुर्गी महानगर पालिका में महानगर पालिका बैठक में बुर्का पहनी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया। कांग्रेस नेता अयाज खान, जिनका नाम तब्बू खान भी है, और बाकी के अन्य लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। बाद में बीजेपी नेता ने अपने बयान पर माफी भी मांगी, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर मैंने बहुत तलाशने की कोशिश की दोस्तों, किसी भी बड़े बड़े तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने ये खबर जो है दोस्तों छापी नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सोचिए इस बात को कि कांग्रेस के नेताओं ने किस तरीके से मुस्लिम महिला, मुस्लिम प्रतिनिधि की आबरू को, किसी तरीके से उनकी इज्जत को बचाया। क्योंकि आप एक बात समझिए, वो जो भी पहन रही हैं, वो कुछ भी पहन कर आ रही हैं, वो साड़ी पहन रही हैं, वो बुर्का पहन रही हैं, ये उनकी खुद की मर्जी होनी चाहिए ना। अब ये भी आप उन पर थोपेंगे, ये भी आप उन पर उनको बताएंगे क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर समुदाय से वो बिलोंग करती हैं, सिर्फ इसलिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की इसी संकुचित सोच की वजह से हो सकता है कि वो सत्ता से बाहर हो गए कर्नाटक में। हालांकि आरोप तो कांग्रेस पर भी लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आने से पहले कहकर आई कि जितने भी तरह तरह के तुष्टिकरण से प्रेरित जितने भी फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों को हटा देंगे हम। हिजाब का मुद्दा अभी दोबारा उठा था हाल ही में, ये कहते हुए कि सिद्धरमैया ने, जो कि वहां के सीएम है कर्नाटक के, उन्होंने ये बयान दिया है कि जल्द ही हिजाब पर से बैन जो है हटा दिया जाएगा। हालांकि बाद में सिद्धरमैया की सरकार जो है, उनके मंत्री, उनके तमाम प्रतिनिधि बोलते हुए नजर आए कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। सिद्धरमैया ने साफ तौर पर कहा है कि जिसने भी गलत फहमी फैलाई है, जिसने भी गलत सूचना फैलाई है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इस पर हम निर्णय लेंगे, सोच विचार करके निर्णय लेंगे, मगर अभी फिलहाल इस पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो कांग्रेस पर भी आरोप लग रहा है कि सत्ता में आने से पहले क्या कहकर आए थे, सत्ता में आने के बाद क्या कर रहे हैं। मगर इस बात को आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही नाम क्यों आता है बुर्का से परेशानी में या हिजाब से परेशानी में दोस्तों, मुस्लिम से परेशानी में, मुस्लिम समुदाय से परेशानी में, मदरसों से परेशानी में, न जाने क्यों हम नहीं समझ पाते ये बात। आपको क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है, ये बहुत
हास्यास्पद भी और बहुत गंभीर भी है दोस्तों। हमारे देश की सत्ता में बैठी है दोस्तों ये पार्टी, और ये लगातार जिस तरह से एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए उनके तौर तरीकों पर, उनके पहनावे पर, उनके कपड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, अब तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे, क्या इसको सच में टॉलरेट किया जा सकता है? मैं आपको वो वीडियो दिखा रही हूं महानगर पालिका का, स्क्रीन पर आपके विजुअल्स चल रहे हैं दोस्तों इस वक्त, आप देखिए कि किस तरह से बवाल हुआ है, भारी बवाल हुआ है महानगर पालिका में। बताया जा रहा है कि जो विरोध जता रहे थे वो कांग्रेस के नेतागण थे, जिन्होंने कुर्सी उठाकर अपना कुर्सी फेंक कर अपना विरोध जताया, कुर्सी उठाकर फेंक रहे थे इधर उधर, और बहुत लोगों ने एक दूसरे को संभाला, क्योंकि वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि आप किसी समुदाय की, किसी समुदाय से जुड़ी महिलाओं की तौहीन कर रहे हैं, और वहां बैठकर तौहीन कर रहे हैं, वहां बैठकर अपमान कर रहे हैं, जहां पर आपको जनता ने एक संवैधानिक पद दिया है, एक संवैधानिक पद पर बैठकर दूसरे संवैधानिक पद पर बैठी महिला के बारे में इस तरीके की ओछी टिप्पणी करना, ये कहां तक सही है? वो कुछ भी पहन कर आए, आपको उनके कपड़ों से क्या प्रॉब्लम है, आपको उनके कपड़ों से क्या दिक्कत है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई ऐसी विस्तृत रिपोर्ट छपी नहीं है, जैसा मैंने कहा अगर छपी होती तो मैं जरूर आपके साथ वो साझा करती, लेकिन ये बहुत बहुत ही ज्यादा सोचने समझने वाली बात है कि आखिर ये कर्नाटक में लगातार क्यों हो रहा है, और कांग्रेस को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पर भी आरोप लग रहा है कि हिजाब को बैन करने की बात सिद्धरमैया ने कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने यूटर्न ले लिया अपनी बात से, अपने बयान से। हालांकि वो अलग बात है कि सिद्धरमैया और सिद्धरमैया के जितने भी समर्थक है उनका कहना है कि ऐसा कोई बयान उन्होंने दिया ही नहीं था, तो बात से पलटने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो यहां जो पूरा मामला था हिजाब से जुड़ा हुआ, वो क्या था वो भी आपको मैं बता देती हूँ दोस्तों। परमेश्वर है मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में, गृह मंत्री हैं परमेश्वर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या बयान दिया, इन्होंने बताया कि सरकार का इस पर क्या नजरिया है, ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पहले गहराई से सरकार विचार करेगी और उसके बाद इस पर फैसला लेगी। सिद्धरमैया ने हाल ही में हिजाब हटाने पर निर्णय लेने की बात कही थी, बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया था। अब जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार इस मामले को गहराई से देखने के बाद इस पर फैसला लेगी, हिजाब को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। तो देखिए, अगर आप कोई वादा करके आए हैं, अगर आप कोई वादा करके सत्ता में आए हैं, और सत्ता में आने के बाद अगर आप उस बात से मुकर रहे हैं, तो वाकई में फिर आप में और बाकी की पार्टियों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तुष्टिकरण की राजनीति पर ब्रेक कब लगेगा? आप यही तो बोलकर सत्ता में आते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर, हिंदू मुस्लिम के इस भेदभाव पर अंकुश लगा देंगे, पहरा लगा देंगे, लेकिन क्या इसको पहरा कहा जाएगा, जहां पर महानगर पालिका में खड़े होकर किसी महिला के बुरखे पर टीका टिप्पणी की जा रही है, उस पर बवाल मच रहा है, क्या यही अब दौर रह गया है देश को देखने वाला? सबसे बड़ी बात यहां पर यह है दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।